हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या। मैं विकास। और हम हैं बेफिक्रे। और आज हम आ चुके हैं मुगल महल, क्योंकि आज करवा चौथ है। तो हमें लगा कि यूजली हम लोग लास्ट ईयर भी करवा चौथ में मुगल महल आए थे, क्योंकि यहाँ की दाल मखनी पनीर वाज ऑसम। तो मुझे लगा इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू हैव योर स्पेशल डिनर, करवा चौथ डिनर एट मुगल महल। बिल्कुल, यहाँ का जो खाना है बिल्कुल ऑथेंटिक होता है और ऐसे स्पेशल डेज के लिए तो बनता है। और दिव्या ने आज करवा चौथ रखा है, पूरे दिन मेरे लिए स्पेशल प्रेयर करी है और पूरा फास्ट रखा है। और जो हमारे चांद साहब थे, हाँ, उन्होंने भी लेट आया, 7 बजे की जगह 8:30 बजे तक आए, 8:30 तक हमको दिखे। बिल्कुल, तो उसके वजह से और भी ज़्यादा वही बनता है दिव्या जी के लिए। सो अभी हम आ चुके हैं और हम लोगों ने एक अपना पर्सनल कैबिन ले लिया है, जिससे कि हम आराम से यहाँ पर खा सके और किसी को कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। टाइम है ऑर्डर करने का। तो आज जैसे करवा चौथ है तो वेजी चीज़ें खानी है, और वेज में भी काफ़ी वैरायटी है देखा जाए तो। बिकॉज यहाँ पर एक आने का ये भी रीज़न होता है कि वेज की वैरायटी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। सो दिव्या जी से ने जो चीज़ें सिलेक्ट की गई है उसे हम बताते हैं। पनीर वेज सिज़लर ये लेंगे, दाल मखनी लेंगे और कुछ रोटीज ब्रेड्स ले रहे हैं। सो ये कुछ लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जब ये आता है और फिर इसका टेस्ट कैसा है। और आप कमेंट करके बताइए आज दिव्या जी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हार दीजिएगा। कल हम लोग जा रहे हैं दिवाली मेला में और वहाँ होने वाला है बहुत सारा धूम धमाका, और काफ़ी सारे हम लोगों ने प्रमोशंस भी देखे, काफ़ी स्टॉल्स भी होने वाले हैं, और हमारे काफ़ी दोस्तों ने स्टॉल्स भी लगा रखे हैं, फूड स्टॉल्स भी है और काफ़ी सारे स्टॉल हैं। और हमें ये भी पता लगा है कि जो जल्दी जाएगा उसे मिलेगा आईफोन 14 प्रो फ्रॉम फ्रेंडी से। सो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। वी आर वेरी एक्साइटेड और हमारे सारे फ्रेंड्स भी काफ़ी एक्साइटेड है, तो वहाँ पर मिलेंगे, खूब धमाल मचाएंगे और प्रॉपर वीडियो होने वाली है। तो बताइएगा और देखिएगा और आप भी आइएगा, तो जिससे कि हम लोग वहाँ पर बैठ के गुफ्तगू कर पाए। हमारे स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री करवा चौथ स्पेशल समोसे, कॉकटेल समोसे, जो हम ग्रीन चटनी, या ग्रीन चटनी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर करवा चौथ। ठीक है, माइक है। ओके, सो जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अब आ गए हैं हमारे कॉकटेल समोसे दैट दे जस्ट सर्व एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर करवा चौथ विद अलोंग विद दिस ग्रीन चटनी। और जो चटनी है यहाँ की काफ़ी तीखी और मज़ेदार है। सो उसको टेस्ट करते हैं, कॉकटेल समोसे को यस डिप करते हैं ग्रीन चटनी के साथ और वाइट लेते हैं फर्स्ट। इट्स वेरी हॉट। और स्टफिंग तो दिखाओ कैसी है। इसमें देखें आप, इसमें आलू और मटर है, स्पाइसी अच्छा है, जैसे हम लोग पंजाबी समोसे खाते हैं ना वैसे ही स्पाइसी है। सो वही इसे टेस्ट करते हैं और आगे बताते हैं कैसा है। आ चुके हैं हमारे पनीर वेज सिज़लर। बस बाकी हम ले लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सिज़लिंग हॉट। चुके हैं हमारे पनीर वेज सिज़लर। तो पीछे से देखिए आप, स्मोक तो दिख के आपको समझ आ गया होगा, इट्स सिज़लिंग हॉट, वेरी हॉट, या और काफ़ी खुशबू आ रही है। और जो इसमें है ये पनीर, यस, कैप्सिकम, गोभी, ये पोटैटो विद अनियन, और ये देखिए मस्त लग रहा है ना। और ये मेरी प्लेट में भी है और हम लोग खाते हैं। अच्छा, जो समोसे थे यार वो बहुत मस्त थे यार, और समोसे बड़े पसंद आए, और उसका जो स्टफ़ था और हरी चटनी थी अमेजिंग। और ये खा के बताते हैं ये कैसा है। आ गई हमारी दाल मखनी, देखिए सही अच्छी रिच लग रही है ना। और ये है हमारी मिस्सी रोटी, और ये अपनी तंदूरी रोटी, और पटनांद, और हमारा जो ये जो आया था सिज़लर ख़त्म हो चुका है। और जो सिज़लर था वो तो बहुत ही टेस्टी था, है ना दिव्या। बहुत अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ गया यार। और अच्छा खासा तीखा बना रखा था और सही से ना ग्रिल कर रखा था, और सिज़लिंग में तो मज़ा आ गया, और चटनी भी बढ़िया थी।
सो ये इसे तो अच्छा लगा। अब दाल मखनी तो हाँ की काफ़ी फेवरेट है, हम लोगों ने कई बार टेस्ट कर रखी है, और साथ में जो मिस्सी रोटी और जो है यहाँ की काफ़ी अच्छी होती है और उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स कर रखी होती है ना दिव्या जी। सो इसे खाते हैं और बताते हैं कि ये कैसा है। देखिए दाल का जो रिचनेस है वो आपको यहीं से दिखेगा, क्या मस्त है ना। इसे कहते हैं दाल मखनी, एकदम मस्त ना, बहुत अच्छा रहता। दाल मखनी बहुत ही ज़बरदस्त थी और पसंद आई, और दिव्या जी खुश हो चुकी है, और इसीलिए मीठे में मंगाया गया है रस मलाई। अब हम खाएंगे रस मलाई। आ चुके हैं हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स, और हमारी जो हमने ऑर्डर की थी रस मलाई, काफ़ी अच्छी लग रही है, केसर दलावा है, और खाते हैं इसे, देखते कैसी है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करते हैं ये करवा चौथ का जो छोटा सा व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया, एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मिलते हैं आपको दिवाली मेला में। दिवाली मेला पे हम आने वाले, खूब धमाल मचाने वाले हैं, तो आप लोगों से वहीं मिलते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर, हमको ज़रूर बताएं कि आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया। चलो बाय।